आज जनता दरबार की टीम आई है राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2023 में। यहाँ हम जानेंगे डॉक्टर रश्मि सैनी से अग्निकर्म क्या है। हम डॉक्टर रश्मि सैनी से जानेंगे हम आज ये अग्निकर्म क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी सैनी है। मैं राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में असिस्टेंट प्रोफेसर शल्य तंत्र में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे आरोग्य मेले में अग्निकर्म में मैं मेरी सेवाएं दे रही हूँ। इस पद्धति को वैसे तो काफ़ी प्राचीन पद्धति है। हमारी आचार्य सुश्रुत संहिता में अग्निकर्म का काफ़ी डिटेल से उल्लेख है। ये क्या है, एक तरह से पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें कहीं भी संधिशूल क्या होता है, संधिशोथ और संधि पीड़ा, इसमें अग्निकर्म के थ्रू वो पेन सबसाइड होता है, इंस्टेंट पेन रिलीफ होती है। ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, मींस इसमें किसी मेडिसिन का यूज़ नहीं होता और ओपीडी में भी हम बहुत मिनिमम इक्विपमेंट से पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को अदर एक एलोवेरा जेल लाना होता है, वो भी हम कैंपस में लगा रखा है, वो भी वहीं से अवेलेबल करा देते हैं। अब यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, ये स्टॉल आप देख सकते हैं हमारे पीछे है, हमारे यहाँ पे हमारी अग्निकर्म शलाका है। ये मेरी ये पंचलोह शलाका है, पांच लोहे की धातुओं से बनी हुई होती है। ये कॉपर शलाका है, सिल्वर और गोल्ड शलाका भी होती है। इसके थ्रू पेशेंट हमारे पेशेंट हैं, इनको काफ़ी टाइम से प्लेंटर में पाँव है, प्लेंटर में बहुत ज़्यादा पेन है, जिससे हम इनका पेन सबसाइड करेंगे अग्निकर्म के द्वारा। आयुर्वेद में वात और कफ दोष, अग्निकर्म वात और कफ दोष के शीत गुण को सबसाइड करती है, जिससे क्या होगा, वो जो पीड़ा देता है शीत गुण, उसकी उष्णता अग्निकर्म की उष्णता से वो रुक जाएगी और पेशेंट को इंस्टेंट पेन रिलीफ हो जाएगा। दूसरा इसका एक दूसरा लॉजिक है जो हम मॉडर्न एक्सपेक्ट में भी समझ सकते हैं। जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, टीयर है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चाहिए, न्यू हमारी सेल्स डेवलप होगी, तो अग्निकर्म की हीट से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, न्यू टिश्यूज, न्यू वहाँ पे न्यू सेल्स जनरेट होगी, तो पेन ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएगा। दूसरी धात्वाग्नि, आयुर्वेद में धात्वाग्नि का काफ़ी बड़ा रोल है। अग्निकर्म से धात्वाग्नि पोषित होती है, नए नए टिश्यूज जिसको उत्तक बोलते हैं वो पोषित होंगे और नई नई उत्तक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि हाँ, उत्तक मीन्स जो सेल्स होती है ना, वो सब मिल के जैसे कहीं पर इंजरी हुई, इंजरी के बाद में क्यों रिपेयर होगा, नए नए टिश्यूज मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं कैलस फॉर्मेशन होगा, लाइक अलग अलग टाइप के उत्तक होते हैं, ये हैं। तो इसमें अपने जब किसी के एक्सीडेंट हो जाता है फिर बाद में कुछ होता है ऐसा? एक्सीडेंट में अग्निकर्म का यूज़ कुछ नहीं है। ये संधि सूल है, जैसे नेक पेन है, शोल्डर पेन है, और अपने ओए है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अलावा अपने फ्रोजन शोल्डर है, कॉर्न है, जिसके पाद कंठक एडी में बोलते हैं, मेरे दर्द है, जिसको गांव में बोलते हैं आटन हो गई, आटन का भी काफ़ी हद तक इसमें बेनिफिट मिलता है, जड़ से ये जाती है। इसका कितने मंथ का प्रोसेस होता है? एक्चुअली इसमें मंथ पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी पेशेंट को तो 1-2 सिटिंग में भी रिलीफ आ जाता है, किसी पेशेंट को 4 सिटिंग लेनी पड़ती है, और किसी को तो 1 सिटिंग में, डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी क्रोनोसिटी है, कितना क्रोनोसिटी मीन्स कितनी पुरानी बीमारी है। ये आपने देखा अग्निकर्म का डॉक्टर रश्मि सैनी जी के द्वारा। धन्यवाद।